अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। दवा खाते हैं ना वक्त पे? अरे बिल्कुल मामा, सच में आधी रात में भी उठ के आपकी फिक्र लगी रहती है, पता नहीं दवा खाते या नहीं खाते। बहन हो ना, ये बाहर कौन आया हुआ है? वो आयशा है, इस्लामाबाद से आई है, फलक जानती है उसे पहले से। अरे भाईजान, इस्लामाबाद से आई हो या पेशावर से आई हो, काम आना चाहिए, वकील तगड़ा होना चाहिए, सारा दारोमदार ही वकील पे होता है इस काम में। शम्स कर रहा है ना बात उससे, पूरी छानबीन करेगा। बैठे बिठाए ऐसी मुसीबत आई है ना। हाय हाय, मैं तो वैसे आपसे एक बात करने आई थी। हाँ हाँ बोलो भाईजान। मैं सोच रही थी कि देखिए ना, जो हालात चल रहे हैं, आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि गीती और शम्स की शादी हो सके। इन हालात में शादी कैसे हो सकती है? हाँ, ऐसी सोच रही थी, एक ख्याल आया जहन में, मैंने कहा आपसे मशवरा करती हूँ कि ये भी तो हो सकता है ना, हम ऐसी सादगी से निकाह कर दें, इसमें भला क्या हर्ज है? मैं बताता हूँ क्या हर्ज है। मेरी बेटी तुम्हारी भतीजी कैद में है, तुम इतनी संगदिल हो के बजाय मेरा गम बांटने के तुम्हें ढोल ताशों की पड़ी हुई है। अरे भाईजान, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा ख्याल था कि जो मेरा हाल है वही हाल तुम्हारा होगा, मगर मेरा ये ख्याल गलत था। खैर, ये रवैया आपका बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं तो सादगी से निकाह करने की बात कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। और वैसे भी सच्ची बात है कि ये सब कुछ जो है ना, ये फलक के झूठ बोलने की वजह से हुआ है। अगर वो सच बोलते थे तो ये नौबत ही ना आती। सब कुछ तो मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है ना, मैं जानती हूँ, जो चाहे करें, आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता। अरे सोचता ही को रही है मेरी बेटी के बारे में, क्या तरीका है ये, समझाओ इसे। ये कुछ अपने आप को संभाले, छोटी बहन है, मैं बात करूंगा ना उससे। बहन है तो उसको समझना चाहिए। आप बैठे, आप बैठे, 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 आराम से, आराम से। नहीं तो कोई इज्जत ही नहीं इस घर में, मुझे पता है अच्छी तरह से, सही भी कहूँ ना तो गलत ही समझा जाता। ठीक है, करे जो करना है करे, मुझे क्या लगे। ये कौन थी? वो है मेरी। ओह, दैट एक्सप्लेन्स। आप बताएं, पेशरफ तुम? हाँ, वो दानियाल के वालिद से बात हुई थी। अच्छा, फिर क्या कहा? कहना क्या उसने, धमकियां दे रहा था, कह रहा था कि कोर्ट में होगी आपसे मुलाकात, मैं देख लूंगा आपको। मुझे फलक को सजा दिलवानी है, और जब तक तुम और तुम्हारी बीवी जैसे बेवकूफों को मैं पालता रहूंगा ना, तब तक ये हो नहीं सकता। देखो, तुम्हारी बीवी जो है वो प्राइम विटनेस है, उसकी गवाही पूरे केस को बदल कर रख सकती है। इसलिए तुम उसको लेकर गांव चले जाओ और पलट कर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे साहब, मैं तो उसे बहुत समझाता हूँ कि भाई, जिसका सारी जिंदगी नमक खाया हो ना, उसके साथ बेवफाई नहीं करते। लेकिन साहब, आप तो जानते हैं ना, उस औरत में बिल्कुल भी अकल नहीं है। लगता है तुम समझदार होते जा रहे हो। पैसे मिल गए थे? जी जी साहब, मुझे पैसे मिल गए। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आज के बाद मुनीरा को कोई ढूंढ नहीं सकेगा।